राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से। तो जिस भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हर तरह की एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो भाई आज की अपडेट है, जैसे आप सभी को पता है कि भाई 8 जुलाई ने यूजीसी ने अपना यानी कि कल शाम को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन SOP भाई रिलीज़ कर दिया है। SOP क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जल्दी जल्दी। SOP ये है कि भाई ये एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट तो करवा रहे हैं, लेकिन वो किस प्रोसीजर के बेस पे कंडक्ट करवाओगे, यानी कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या क्या उसका मैप रोड मैप तैयार कराया ही ने जो एग्जामिनेशंस करवाने का, वो पूरा SOP है। ये 8 पेज का भाई नोटिफिकेशन है, आप UGC की साइट पर डाउनलोड करके आप इसने पढ़ भी सको हो। सारी चीज़ों के बारे में इन्हें खुल के एक्सप्लेन कराया है, लेकिन ये एग्जामिनेशन करवाने के पक्ष में इन्होंने अपना ये नोटिस रिलीज़ किया है। SOP नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि आप सभी को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये था भाई SOP, इसको आप पढ़ सकते हैं, सभी के पास ये वायरल हो गया था शाम को ही। मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आज की अपडेट बताता हूँ जो 9 तारीख को यानी 9 जुलाई 2020 को जो अपडेट आई है। ये देखो ये अपडेट है भाई, ये रोहतक वाले न्यूज़पेपर की अपडेट है हरी भूमि में। ये नीचे देखो आप ये लिख रखे हैं हरी भूमि 9 जुलाई, मेन पेज नंबर 1 पर अपडेट आ रही है भाई। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, इस कटिंग को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो सारे डाउट आपके यहीं तक क्लियर होंगे भाई। यूनिवर्सिटी को सरकार के निर्देशों का इंतजार, यानी भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर है, सभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइन का वेट कर रही हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है। भाई JJU हिसार ने तो कल कह दी थी कि भाई अगर कोई नई गाइडलाइन नहीं आती है हायर एजुकेशन की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम पिछली गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे। यानी जो फॉर्मूला आया था ना भाई, 25-75 वाला फॉर्मूला था, 20-80 वाला फॉर्मूला था, उसके तहत वो उनको प्रमोट करने के लिए कह रहे थे JJU वाले। लेकिन जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे JJU भी खुद शामिल होती हो, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई हमें अभी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके निर्देशों का इंतज़ार है, UGC की बात नहीं मानते ये भाई। UGC असल में, UGC मैं आपको बता देता हूँ, UGC इन सब को जो डिग्री थमने मिलने वाली है ना, अगर थम ये पास हो जाते हो तो वह UGC की मोर लागेगी उस डिग्री के ऊपर जब वह थरात्मा होगी। अगर ये UGC ने रुसा दे हैं तो डिग्री थमने मिलना संभव नहीं है। तो थम इस बात ने सोचो कि UGC कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी बॉडी है UGC, बहुत बड़ी बॉडी है भाई। एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ इसका आगे कुछ भी नहीं है, ये तो केवल कितनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। लेकिन बात अब क्या है, इब जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है उसको UGC की भी बात माननी पड़ेगी, और माननी पड़ेगी उसने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात। लेकिन स्टूडेंट धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने UGC से पहले अपनी गाइडलाइन दे दी थी, तो भाई यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ रुझान ज़्यादा दिखा रही हैं। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर कटिंग को। अंतिम सेमेस्टर के छात्र नहीं होंगे प्रमोट, यूनिवर्सिटीज़ को सरकार के निर्देशों का इंतजार, ये रोहतक की खबर है भाई, रोहतक वाले हरी भूमि मारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने देश के सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दे दिए हैं कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि यूनिवर्सिटी हर हाल में 30 सितंबर तक परीक्षा करवाए। UGC का पत्र मिलने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा करवाने की तैयारी शुरू करे या ना करे, इसको लेकर असमंजस बनी हुई है। COVID-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच विश्वविद्यालय परीक्षा करवाने का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। अकेले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की संख्या करीब 1.25 लाख है। 1.25 लाख तो भाई फाइनल ईयर वाले हैं MDU में। ये छात्र मानकर चल रहे हैं कि उनको वैश्विक महामारी के चलते बिना परीक्षाएं दिए ही डिग्री हासिल हो जाएगी, लेकिन UGC ने 8 जुलाई को जारी किए पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं देश के सभी विश्वविद्यालय को 30 सितंबर से पहले संपन्न करवानी होंगी। सरकार कर सकती है अनुरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुनियो भाई। महामारी का हवाला देकर राज्य सरकार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी HRD को परीक्षाएं आयोजित न करवाने का अनुरोध कर सकती है। बता दें कि विश्वविद्यालय की सुप्रीम बॉडी UGC ही है, जो मैंने भी आपको बताया भाई UGC बहुत बड़ी बॉडी है। डिग्रियों को मान्यता आयोग से ही मिलती है, जो डिग्री है उसको जो मान्यता है भाई वह UGC तय मिला है।
अब परीक्षाएं करवाने के जो निर्देश यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं उसको मानने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य होंगे। राज्य सरकार के निर्देश मानने के लिए भी विश्वविद्यालय बाध्य हैं। तो भाई अब असमंजस का माहौल बन रहा है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बहुत या क्रिटिकल स्टेज चल रही है अभी। अगर इसकी यूजीसी की बात मान लें तो भाई हायर एजुकेशन हरियाणा या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात को कैसे नकार देंगे, जो उन्होंने फॉर्मूला बना के इंती दे रखा है सारे ती। तो भाई देखने की बात है, हो सकता है आज नहीं तो कल या एक दो दिन के अंदर तो 100% मैं बता देता हूँ आपको, हायर एजुकेशन हरियाणा के है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट कोई ना कोई जरूर अपना कोई ना कोई निर्देश जरूर देगी भाई क्या करना है। अभी लग तो ये रहा है कि भाई अगर मोस्टली देखें तो स्टूडेंट के हक में फैसला आवा, क्योंकि ये सभी मिलकर नहीं, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की जो CM हैं अशोक गहलोत साहब, उन्होंने भी तो साफ कह दिया कि भाई हम UGC की बात को नहीं मान सकते क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी चल रही है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या रहता है। तो भाई मैं फिर कहता हूँ आप सभी को, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर तरह की एजुकेशनल अपडेट मैं आपको सबसे पहले पहुँचा सकूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।